हेलो डियर लर्नर्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पैरोनिम्स ये जो पैरोनिम्स आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके कॉम्पटेटिव एग्जाम्स के सिलेबस में भी होते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो हेल्प यू इन एवरीडे कम्युनिकेशन वेदर रिटर्न और स्पोकन पैरोनिम्स क्या होते हैं सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं पैरोनिम्स आर वर्ड्स पैरोनिम्स आर दी वर्ड्स डराइव्ड फ्रॉम द सेम रूट एज अदर्स ऐसे वर्ड्स जो एक कॉमन रूट से डेराइव किए गए होते हैं उनको पैरोम्स कहते हैं जैसे यहां पर आप देखेंगे वर्ड्स लिखे हुए हैं सेंसरी सेंसेशनल सेंसिटिव सेंसिबल सेंसुअस सेंसुअल ये सारे वर्ड एक कॉमन रूट सेंस से लिए गए तो ये वर्ड्स आपस में पैरोनिम्स हो गए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं फिलिंदा ब्लैंक्स में क्लोज टेस्ट में ग्रामर सेक्शन में भी इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और उसके अलावा ये आपको इंग्लिश बोलने में और लिखने में भी बड़ा हेल्प करते हैं अगर आप इनका सही यूज जानते हैं आज ही हम इन वर्ड्स को डिस्कस करते हैं सबसे पहले हियर इज अ एक्सरसाइज एक छोटी सी एक्सरसाइज है देयर आर सिक्स क्वेश्चन एंड यू हैव गट सिक्स ऑप्शन पास सिक्स ऑप्शन हैं सेंसरी सेंसेशनल सेंसटिव हमें इन सिक्स वर्ड्स को इन सिक्स ऑप्शन में इन सिक्स ऑप्शन को इन सिक्स क्वेश्चन में यूज करने यंग पीपल आर वेरी डैस अबाउट देयर अपियरेंस वर कैप्टिवेटेड बाई द डैश पेंटिंग एट द एग्जीबिशन वर्ल्ड चैंपियंस सफर्ड अ डैश डिफीट वी कैन मिनिमाइज दीज प्रॉब्लम विद डैश प्लानिंग म्यूजिक इज द ऑनली डैश प्लेजर विदाउट वॉइस द विजुअल सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डैश सिस्टम इन द बॉडी अब ये जो वर्ड्स हैं इनमें आपको इन सिक्स वर्ड्स का यूज करना है आप एक बार ट्राई कर लीजिए उसके बाद में हम इन वर्ड्स को सबसे पहले समझते हैं और फिर इस एक्सरसाइज का आंसर क्या है उसको डिस्कस करते हैं आ जाए सबसे पहला वर्ड जो है इन पैरोम्स में वो है सेंसरी सेंसरी वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू सेंसेस जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी होता है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं सेंसरी अगर हम इस वर्ड की हिंदी देखें तो एक हिंदी वर्ड होता है संवेदिक या संवेदा संवेदनात्मक ये इसके हिंदी मीनिंग्स होते हैं इंग्लिश मीनिंग रिलेटेड टू नर्व फाइबर्स और इंपल्स जो हमारे नर्व्स होते हैं जब हम किसी चीज को टच करते हैं या टेस्ट करते हैं ठीक है तो वो सेंसर्स के थ्रू नर्व्स के थ्रू हमारे सेंट्रल सिस्टम में पहुंचता है तो इस पूरे सिस्टम को सेंसरी कहा जाता है या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है कोई भी फीलिंग है इमोशन इससे रिलेटेड है तो उसको भी सेंसरी ही कहा जाएगा ठीक है सेंसरी का मतलब है रिलेटेड टू नर्व फाइबर्स और इंपल्सर डराइव फ्रॉम सेंसस इसके कुछ सिनोनिम्स देखिए रिसेप्टिव अफेरेंट सेंट्रीपिटल इंट्यूशनल सेंट्रीपिटल का मतलब कि हमारी बॉडी में जैसे यहाँ पे हमने कुछ पिक किया तो यहां से जो सेंसेशन है वो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा तो योग्य सेंट्रीपेटल ठीक है सेंसेशनल हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेंसेशनल वर्ड का सबसे पहले आप हिंदी मीनिंग समझ लीजिए सेंसेशनल वर्ड का मतलब एक तो होता है शानदार और एक इसका मतलब सनसनी खेज तो सेंसेशनल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो लोगों में क्योरसिटी इंटरेस्ट एक्साइटमेंट जगा दे ठीक है सेंसेशनल मीन्स कॉजिंग इंटेंस इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट और क्योरसिटी जिससे लोगों में अचानक से बड़ी उत्सुकता हो जाए जानने की एक्साइटमेंट आ जाए ठीक सिनोनिम्स इसके स्टार्टलिंग न्यूज वर्दी एस्ट्रोनिशिंग ड्रामेटिक एक्सीलेंट स्टनिंग न्यूज को लेकर ये वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है सेंसेशनल न्यूज सेंसेशनल मतलब समथिंग विच आर पीपल वेरी एक्साइटेड अबाउट जिसको लेकर लोग बहुत एक्साइटेड हूँ क्यूरियस ठीक नेक्स्ट वर्ड सेंसिटिव सेंसिटिव वर्ड का मतलब होता है समथिंग और सम वन विच इज वेरी टची विच इज और हु इज हाईली और इजिली इंफ्लुएंसड बाय समथिंग जैसे इसके आप सिनोनिम्स देखेंगे तो क्विक टू रेस्पॉन्ड टू चेंजेस और इंफ्लुएंसेस क्विक टू रेस्पॉन्ड टू चेंजेस और इंफ्लुएंसेस कोई पर्सन होता है हमने उससे कुछ कह दिया बड़ी जल्दी उसने बात को माइंड कर लिया बड़ी जल्दी उस पर अफेक्ट पड़ गया ठीक है तो वो हो गया आपका सेंसिटिव पर्सन आपने देखा अगर टूथपेस्ट वगैरह के जो मतलब ऐड आते हैं कुछ टूथपेस्ट के एड यूज होते हैं तो उसमें बताया था सेंसिटिव टिथ सेंसोडाइन पेप्सोडाइन इस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं टूथपेस्ट होते हैं तो आप देखेंगे दे आर वेरी मतलब गुड फॉर सेंसिटिव टिथ्स तो सेंसिटिव टिथ्स का मतलब ऐसे टित्थ जिन पर बड़ी जल्दी से असर पड़ जाता है किसी चीज़ का ठीक है और अगर हम सेंसिटिव के सिनोनिम देखें तो संवेदनशील संवेदनशील ठीक है ये इसका सिनोनिम हो जाएगा संवेदनशील मतलब जो बहुत ही संवेदनशील हो जिस पे बड़ी जल्दी किसी चीज का असर पड़ जाता है क्विक टू रेस्पॉन्ड टू चेंजर और इंफ्लुएंस इसके सिनोनिम्स आप देखें डेलिकेट टची टैक्टफुल सटल रिस्पॉन्सिव इमोशनल वॉलाटाइल जैसे कोई पर्सन होता है ना बहुत ही इमोशनल टाइप का होता है छोटी सी बातों से बड़ा जल्दी मतलब प्रभावित हो जाता है देन वी कॉल इज अ सेंसिटिव पर्सन ठीक है तो हम उसको सेंसिटिव कहते हैं नेक्स्ट वर्ड आ गया सेंसिबल सेंसिबल वर्ड समझ लीजिए सेंसिबल वर्ड का मतलब होता है समझदार समझदार भी होता है और इसका मतलब समझदारी भरा भी होता है सेंसिबल के दोनों मतलब होते हैं Sensible का मतलब समझदार भी होता है और समझदारी पूर्ण भी होता है कोई ऐसा पर्सन जो कि सही डिसीजंस ले लेता है ठीक है तो हम उसको कहेंगे पर्सन अगर उसने कोई ऐसा काम किया है कि जो समझदारी भरा हुआ है तो हम उसको भी कहेंगे सेंसिबल एक्ट ठीक है तो सेंसिबल का मतलब हो गया आपका समझदार और एक इसका मतलब जागरूक भी होता है सेंसिबल का मतलब जागरूक भी होता है अवेयर ऑफ वट इज हैपनिंग अराउंड ठीक है तो ये भी इसका मीनिंग होता है संवेदनशील का एक मीनिंग आप और भी लिख दें भावुक संवेदनशील का मतलब एक आप और भी लिख दें भावुक ठीक है सेंसुअल के सिनोनिम्स देखिए इन पहले मीनिंग समझ लीजिए सेंसुअल इज समथिंग इन अकॉर्डिंग विद रीजन और विजडम रीजन का मतलब तर्क समझदारी ठीक है कुछ ऐसा जो विजडम और रीजन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हो तो उसको हम कहते हैं सेंसिबल चाहे वो कोई पर्सन हो चाहे कोई थिंग हो रैशनल लॉजिकल थॉटफुल जुडिशियस बैलेंस्ड शॉबर प्रेगमेटिक प्रेगमेटिक समझते हैं ना प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच ठीक है तो ये सेंसिबल के सिनोनिम्स हो गए नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा सेंसुअल ठीक है अब देखिए ये जो दो वर्ड्स है ना ये अक्सर पेपर में आते रहते हैं और इंपॉर्टेंट है पीपल ऑफन मेक मिस्टेक्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस टू वर्ड्स सबसे पहला वर्ड है सेंसुअस इसका मीनिंग समझेंगे हिंदी मीनिंग सबसे मैं पहले आपको बता देता हूं इसका मतलब होता है इंद्रिय इंद्रियों से संबंधित या आप ऐसे कह सकते हैं ये हिंदी वर्ड्स हो सकते हैं आपको थोड़े मुश्किल लग रहे हो लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा सा हिंदी सही है वो जल्दी समझ जाएंगे ठीक है इंद्रिय ग्रह इंद्रिय ग्रह इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला ठीक है समथिंग विच इज वेरी ब्यूटीफुल और समथिंग विच इज वेरी एस्थेटिक इन नेचर तो उससे जो हमारा कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं सेंसुअस अ सेंसुअस फीलिंग सेंसुअस का मतलब एस्थेटिक ठीक है एस्थेटिक ग्रेटिफाइंग प्लेजरेबल लग्जरियस समुअस रिच ठीक है हमने कोई आर्ट देखा कोई पेंटिंग देखी कोई मूवी देखी कोई कलाकारी देखी एंड दैट वॉज वेरी प्लेजेंट एंड वी हैड अ ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस ऑफ दैट तो हम उसको कहेंगे इट वॉज अ सेंसुअस थिंग ठीक सेंसुअल क्या होता है उसका भी मतलब यही होता है ठीक है समथिंग विच अपील्स टू योर सेंसेस बट इट इज मोस्टली यूज इन नेगेटिव सेंस इसका हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंसेस में जैसे आप इसके सिनोनिम्स देखें तो जल्दी समझ जाएंगे बॉडीली हेडोनास्टिक कार्नल वोलपचुअस एरोटिक ठीक है पैशनेट सीडेक्टिव अगर हम इसके सिनोनिम्स कहें तो आप इसके सिनोनिम्स कह सकते हैं कामुक ठीक है और एक बहुत अच्छा वर्ड होता है ठीक है जैसे सेंसुअस का मीनिंग है इंद्रिय ग्रह इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला मतलब कुछ ऐसा जो एस्थेटिक है जिसको आपके सेंसेस रिसीव करते हैं एंड सेंसेस ग्रेट मतलब सेंसेस आपके संतुष्ट हो जाते हैं उससे कोई अच्छा गाना सुना आप खो गए आपके सेंसेस ने आपको अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन दिया तो दैट वाज अ अस म्यूजिक ठीक है सेंसुअस वॉइस किसी की ऐसी आवाज मतलब अच्छे सिंगर्स वगैरह होते हैं मेलोडियस तो उनकी आवाज से मतलब वी गेट सेटिस्फाइड आर सेंसेस गेट सेटिस्फाइड तो सेंसुअस अच्छा सेंसुअल क्या होता है इसका बेसिकली नेगेटिव सेंस में किया जाता है कोई ऐसा पर्सन भोगी विलासी ठीक है जो कि मतलब शारीरिक सुख से तृप्ति महसूस करता है मतलब मैं आप समझ जाएंगे ठीक है तो उसको हम कहते हैं सेंशुअल एक्सपीरियंस कामुक एक मीनिंग और एक मीनिंग आप कह सकते हैं इंद्रिय जन्य इंद्रिय जन्य ये इसके हिंदी मीनिंग्स होते हैं अगर आप हिंदी थोड़ी सी अच्छी है तो आप समझ जाएंगे इंद्रियजन का मतलब क्या होता है समथिंग बॉर्न फ्रॉम योर सेंसेस ठीक है आपने अच्छा भोजन खाया तो टेस्ट से आप संतुष्ट हो गए ठीक है या सम फिजिकल काइंड ऑफ एक्टिविटी तो सेंसुअल का यूज बेसिकली इसके सिनोनिम्स आप ध्यान रखेंगे बॉडली हेडोनेस्टिक कार्नल वोलच्चुअस एरोटिक पैशनेट सेडक्टिव रिलेटिंग टू एपेटाइट एंड पैशन ऑफ द बॉडी जो हमारे बॉडी के पैशंस होते हैं उनको जो ग्रेटिफाई या सेटिस्फाई कर दे वो हो गया सेंसुअल ठीक है अब इनके यूज पे आते हैं ये सिक्स वर्ड्स थे जिनमें हमें इन वर्ड्स का यूज करना था अब देखिए हम एक एक करके इनके आंसर समझते हैं यंग पीपल आर वेरी डैश अबाउट देयर अपेयरेंस अब हमने कहा कि जो यंग पीपल होते हैं ठीक है युवक एंड युवतियां जो होती हैं वो अपने अपेयरेंस को कि वो कैसे दिख रहे हैं उनका कपड़ा कैसा है उनके बालों का स्टाइल कैसा है उनका मेकअप कैसा है इसको लेकर बहुत ज्यादा होते हैं क्या होते हैं हमें बताना है ठीक है द ऑप्शन आर सेंसरी सेंसेशनल सेंसिटिव सेंसुअस तो इसका आंसर हो जाएगा ना बच्चे सेंसिटिव टच ठीक है ये देखिए हमने पढ़ा था ना यहां पर सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील बहुत संवेदनशील होते हैं इस चीज को लेकर कि उनके कपड़ों का कलर मैच कर रहा है कॉन्ट्रास्टिंग है या नहीं है जूते का कलर टाई का कलर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है तो इस चीज को बहुत ध्यान देने वाले लोग होते हैं ठीक है टैक्टफुल तो इसमें आ जाएगा सेंसिटिव नेक्स्ट देखिए क्स्ट हमने देवर कैप्टिवेटेड बाई एग्जीबिशन में कोई पेंटिंग्स देखी तो वो पेंटिंग uh, आकर्षित हो जाना किसी चीज के द्वारा मोह लिया जाना ठीक है कैप्टिवेटेड हो गए पेंटिंग कैसी पेंटिंग्स थी हमें बताना है ठीक है आर्ट है पेंटिंग है सिंगिंग है डांस है ये सब आर्ट है गुड मीनिंग में गुड सेंस में आप सेंसुअस वर्ड का यूज क्या करें तो यहां पे आ जाएगा सेंसुअस सेंसुअस पेंटिंग्स एस्थेटिक पेंटिंग्स बहुत सुंदर थी देखने में अच्छी लगती थी ठीक है तो वो सेंसुअस है अब पेंटिंग कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आप खाओगे या जिसको आप बॉडी पे एक्सपीरियंस करोगे तो हम सेंसअल वर्ड यहां पे नहीं यूज करेंगे यहां पे वर्ड यूज करेंगे सेंसुअस दैट ग्रेटिफाइज योर सेंसेस सींग इज अ सेंस देखना एक सेंस है आपने बहुत अच्छी पेंटिंग देखी एंड यू आर मूवड बाई इट देन इट इज सेंसुअस काइंड ऑफ थिंग ठीक फिर अगर द वर्ल्ड चैंपियंस अफोर्ड अ डैश डिफीट वर्ल्ड चैंपियंस विश्व विजेता उनकी हार हुई तो अगर कोई छोटी मोटी टीम हारती है तो उसकी इतनी खबर नहीं बनती लेकिन अगर कोई वर्ल्ड चैम्पियन टीम है और वो हार जाए देन इट इज़ सेंसेशनल न्यूज ये एक ऐसी न्यूज है विच विल कॉज एक्साइटमेंट इन पीपल ठीक तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा सेंसेशनल the world champions suffered a sensational defeat next we can minimize these problems with dash planning ki hum in problems ko minimize kar sakte hain kam kar sakte hain kaise with dash planning sensible with sensible planning theek hai ये देखिए sensible का मीनिंग हमने क्या डिस्कस किया था In accordance with reason or wisdom, judicious. तो judicious planning. समझदारी भरे प्लानिंग करके हम इन प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं नेक्स्ट म्यूजिक इज द ओनली डैश प्लेजर विदाउट वॉइस अब हमने कहा कि म्यूजिक एकमात्र ऐसा प्लेजर है जो कि जिसमें बुराई नहीं है वॉइस का मतलब समथिंग बैड वर्च्यू का ऑपोजिट वर्ड होता है वॉइस वर्च्यू होता है गुण वॉइस होता है सम अवगुण ठीक है बुरा गुण तो विदाउट वॉइस अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप ऐसे समझ जाइए कि यहाँ पे सेंसुल के अलावा कुछ नहीं आया अदरवाइज तो हम सेंसोस भी यूज कर सकते थे अगर यहाँ पे विदाउट वॉइस नहीं मेंशन होता तो अगर विदाउट मेंशन किया गया तो इसका मतलब ये भी उसी कैटेगरी का है ठीक है लेकिन म्यूजिक में कोई बुराई नहीं है आप गाना सुन रहे हो तो इट इज नॉट समथिंग बैड बट अगर आप अयासी में भोग विलास में खोए हो देन दैट इज अ वॉइस ठीक तो यहां पे वर्ड आएगा आपका सेंसुअल म्यूजिक इज द ओनली सेंसुअल प्लेजर विदाउट वॉइस ठीक है बाकी जो सेंसुअल प्लेजर्स होते हैं वो अवगुण होते हैं उनसे हमें बचना चाहिए वी शुड अवॉइड ठीक है लेकिन म्यूजिक इज असेंशुअल प्लेजर बट इज नॉट अ वाइस नेक्स्ट द विजुअल सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डैश सिस्टम इन आर बॉडी अब देखिए हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे सीइंग है हियरिंग है ठीक है टचिंग है टेस्ट है स्मेल है ये सब हमारे क्या है सेंसरी सिस्टम है तो इनमें सबसे कॉम्प्लेक्स जो है ना वो हमारा देखने वाला जो है विजुअल सिस्टम जो है ये सबसे कॉम्प्लेक्स सेंसरी सिस्टम है ठीक सेंसरी का मतलब रिलेटेड टू ये हमारे आंसर हैं पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा ये पीडीएफ जो हमने डिस्कस किया है ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये वीडियो आपको वहीं से मिल जाएगा कैसे थे ये वर्ड्स समझ में आए या नहीं आए इनसे रिलेटेड कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप वीडियो पर कमेंट करके भी अपना हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं कोई भी डाउट या कोई कन्फ्यूजन है तो हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करें रिजॉल्व करें और कैसे लगे ये वर्ड्स कैसी लगी ये क्लास इसको कमेंट करके जरूर बताएं बाकी थैंक यू एवरीबॉडी कीप लर्निंग एंजॉयिंग इंग्लिश Thank you.